हाय गाइस, वेलकम टू द रोज़ ब्यूटी कॉर्नर। और तमाम सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों की ही वजह से आज मैं 5000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया है कि वो विंटर स्किन केयर रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं। तो विंटर स्किन केयर रूटीन में मेरे पास ये दो लोशंस हैं, एक निविया का नेचर फेनस नाइट केयर है और एक वैसलीन इंटेंसिव केयर एलो सूथ के नाम से वैसलीन का लोशन है। नाइट केयर भी में भी निविया इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा जो निविया का आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाला मॉइस्चराइज़र डेली बेसिस पे यूज़ करें, आपकी स्किन डिफरेंस आपको दिखाएगी। अब इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाने लगी हूँ मैं। इसका कंपैरिजन की भी रिक्वेस्ट है कि वैसलीन और निविया के बॉडी लोशंस का कंपैरिजन करें। तो सबसे पहले प्राइस के हिसाब से प्राइस का कंपैरिजन कर लेते हैं कि उस हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले निविया का जो नेचुरल फेयरनेस नाइट केयर रूटीन है, इसकी आपको पैकेजिंग में मिलता है 250 ml प्रोडक्ट और ये आपको मिलेगा 600 rupees में। आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से इसको ख़रीद सकते हैं और बड़ी मार्केट्स में ये इजीली अवेलेबल भी है। अब जो ये मेरे पास वैसलीन का लोशन है, ये 100 ml की पैकेजिंग में है और ये आपको मिलेगा 150 rupees में। तो अगर हम प्राइस का कंपैरिजन करें तो एक तरफ आपको 250 ml मिल रहा है और 600 का, और एक तरफ आपको मिल रहा है वैसलीन का 100 ml में। सो उस लिहाज से आपका वैसलीन इसमें आपको अफोर्डेबल रहेगा। वैसलीन प्राइस के लिहाज से दोनों में बेस्ट है। अब बात करते हैं कि वैसलीन इंटेंसिव केयर में आपको एलोवेरा की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, और इसकी पैकेजिंग क्लेम करती है कि इसमें माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं वैसलीन जेली के और ये लाइट, ये ज़्यादातर ड्राई स्किन के लिए है और ये नॉन ग्रीसी लोशन है। जब के बात करें निविया का, तो ये फेयरनेस के लिए और रिस्टोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी आपकी स्किन को रिस्टोर करता है वैसलीन का लोशन। और जो निविया का नेचर फेयरनेस है, ये आपको फेयरनेस ज़्यादा देगा क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई और सी की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और बेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये तीनों ही चीज़ें आपकी स्किन को रिजुविनेट करती हैं, आपके डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करती हैं और उसके अलावा वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ विटामिन सी के अंदर और बेरी एक्सट्रैक्ट के अंदर मौजूद है। ये जो निविया का लोशन है, ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए है और जो वैसलीन है, ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी। बाकी स्किन टोन्स भी इसको इस्तेमाल कर स्किन टाइप्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। वैसलीन की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें आपको ग्लिसरीन मिलेगी, उसके अलावा आपको पेट्रोलियम जेली मिलेगी, उसके अलावा बाकी तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दोनों के सेम हैं। सो निविया के भी इंग्रेडिएंट्स में आपको इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, उसके अलावा रिस्टोरेशन फार्मूला है, आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, सपल करेगा, ये सारी चीज़ें। तो एक तरफ आप दोनों की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं कि दोनों की, एक हाथ पे मैं अप्लाई करूँगी। ये देखें, अभी मैंने हाथों को धोया है, अभी मेरे हाथ खुश्क हैं। अब मैं इन पे एक हाथ पे लगाती हूँ निविया। निविया की जो कंसिस्टेंसी है, वैसे तो निविया के मॉइस्चराइज़र्स थिक हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास ये मॉइस्चराइज़र है, ये लें जी, मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लिया और अब इसको ब्लेंड एब्जॉर्प्शन देखते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत अच्छी है, ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और क्योंकि ये विटामिन ई और सी और बेरी एक्सट्रैक्ट्स के साथ है, तो ये वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी आपको देता है। और बाकी मॉइस्चराइजर्स की तरह ये हैवी मॉइस्चराइज़र नहीं है, ये बॉडी लोशन है। तो आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे कि बॉडी लोशन थोड़ा सा लाइट है, लाइट वेट है। आप देखें, एक हाथ पे मैंने अप्लाई कर लिया है, एब्जॉर्ब भी हो गया है। अब दोनों हाथों को मैं रख के डिफरेंस दिखाती हूँ। जब एक हाथ पे कुछ भी अप्लाई नहीं है और दूसरे हाथ पे मैंने निविया अप्लाई किया है, तो बेटर आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है कि ये जो मेरा हाथ है, ये थोड़ा वाइटनिंग इफ़ेक्ट दे रहा है। अब दूसरे हाथ पे मैं अप्लाई करती हूँ वैसलीन इंटेंसिव केयर और
इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बिंग है, ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इन कंपैरिजन यहाँ पे जो मैं दो लोशन का कंपैरिजन कर रही हूँ उस हिसाब से वैसलीन जो है वो थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करेगा और ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेहतरीन लोशन है। अब देखें दोनों हाथों में डिफरेंस, ये दोनों हाथों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। एक पे मैंने अप्लाई किया है वैसलीन और एक पे मैंने निविया अप्लाई किया है। सो अब ये आप पे है कि आपकी स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट करता है, हर इंसान की स्किन डिफरेंट है। सो यहाँ पे मैं दोनों को ही अच्छी रेटिंग दूंगी क्योंकि दोनों मॉइस्चराइज़र्स अपनी जगह अच्छे हैं। और चूंकि मैं वैसलीन जो है वो डेली दिन को इस्तेमाल करती हूँ और जो निविया है वो मैं रात के लिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये नाइट केयर रूटीन है। सो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो कॉमेंट करें। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें जो कि है रोज़ ब्यूटी कॉर्नर के नाम से, और उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है रोज़ रोज़ के नाम से, उसको फॉलो करें। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।